सुबह में घर आ गया हूँ अभी, थोड़ी देर वही घर आए हुए और लाइट भी चली गई हमारी। गोले चला करो। आराम आराम से, आराम आराम से, आराम से। घास लेकर आए, जो भी घास खिलाते हैं। दवाई आ गई है, ये रोज कहाँ बैठा है, अंदर की सही जगह छोड़ के बाहर बैठा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग यार? आज मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जॉब की वजह से कुछ कर नहीं पाया था। वैसे आज मैंने जॉब, कल मैंने जॉब की छुट्टी गई थी, क्योंकि तबीयत सही नहीं, आपको आज से लग रहा होगा। तो सोच रहा हूँ मैं आज से डेली तो नहीं, हफ्ते में 3 या 4 वीडियो डालूँ तो, और आपको इस रूम का रिव्यू कराऊँगा। दिख रहा होगा कि काफ़ी चेंजिंग आ रहा है रूम के अंदर, तो वो भी दिखाऊँगा। लेकिन अभी पिछले इतवार को हम 2 नए मेहमान लेकर आए अपने घर में, तो पहले आपको उनसे मिलवाता हूँ, फिर बाद में रूम का टूर चले चलते। तो चले आपको दिखाता हूँ मैं हम 2 नई फैमिली। अरे यहाँ पर आ गई, लो अंदर आ गई है। आओ बाहर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाहर आओ आओ। ये देखो ये अंदर आ गई है भाई। अच्छा सैन की सफाई हो रही है ना, सो से अंदर आ गई। क्या हो गया, यहीं रहना है क्या? ए आ जाओ उधर, आओ बाहर आ जाओ, गंदा कर दोगी तुम। अभी सफाई हुई है, चलो चलो। ये ऐसे नहीं जाएगी, गोद में उठ के जाएगी, बड़े नख हैं इसके। तो अभी बाहर छोड़ा उसको मैंने, दोबारा से अंदर आ रही है। क्या हुआ? बाहर चलो यार, बार बार अंदर देखो यहाँ तक खुश है, ये बाहर कूद जाएगी है। चलो बाहर चलो। तो इनकी एक जगह ये हमने सेपरेट कर दी है, अभी यहीं रहेंगे, अभी यहीं पर रहेंगे। ये रात में ना, ये रात में बाउंड्री बनाई है। कल रात में मैं तो सो रहा था, वैसे इनकी उस वजह से मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन ये रात में नमान ने पापा ने मिल के बाउंड्री बनाई है। और अभी जो है यहाँ पे इनकी रेत आ रही है, वाली होती बालू रेत जिसे कहते हैं, वाली रेत अभी आ रही है। और इसका मेल जो है वो बेचारा यार, उसके ना कान पे दाने हो गए, तो उसको पापा अभी ना डॉक्टर के लिए गए दिखाने के लिए क्यों रेत पे दाने। उसकी दर्द वर्द नहीं है दानों में, कान पकड़ भी रहे हैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन कान सूज गया बहुत ज़्यादा। इसका एक दो दे दिखाता हूँ, ये हो रहा है एक दाना, दबाने से कुछ हो तो नहीं रहा, लेकिन ना उससे बहुत बरकत। काफ़ी लोगों ने बताया कि ये दवाई लगाओ, वो दवाई लगाओ, ऑयल लगाओ, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अभी गए डॉक्टर के, वो आज उससे मिलवाता हूँ आपको, और देखते क्या क्या कहा डॉक्टर ने। अभी मैं बाल्टी भरने लगा कर रहा हूँ यहाँ पानी डालने के लिए, इधर बाउंड्री पानी डालने के बाद थोड़ा पक्का हो जाए। तो अभी अंदर वह चीखने शुरू हुई, देखना क्या वो पानी से एलर्जी है क्या? भाग रही है, जब ही अंदर आई थी उठ के ही है। इसको बेचारी को अपना मेल नहीं दिख रहा ना अपना, तो बेचारी चीख दी है काफ़ी देर से ना, वरना कोई बाहर खड़ा होता हम वैसे तो नहीं चीखती। अभी इसका पार्टनर फीमेल जो है वो डॉक्टर ये गया था, इससे ऐसे चीख दी है बेचारी। तो अभी आ जाए उससे मिलवाता मैं आपको। तो भाई ये भी आ गया, इसका आप इसके पास गए, वो वहाँ बैठी हुई थी उठ के यहाँ आ गई इसके पास ना। तो अभी डॉक्टर कैसे लेकर आए? तो हुआ क्या इसका सामान? इन्फेक्शन हो गया कान में। तो क्या डॉक्टर ने क्या कहा है? सिरप सिरप दिया, तो इंजेक्शन लगाया। किस टाइम पे लाना है? एक 2 दिन छोड़ के लोशन लगाना है और सिरप सुबह शाम पिलाना है। 3 टाइम मतलब सिरप 3 टाइम है? नहीं 2 टाइम 2 टाइम भाई। अभी डॉक्टर के दिखा के बाद इंजेक्शन लगाएं इसके, और अभी दिखाता हूँ करीब आएगा ना, अभी वहीं पर ही उसके बाद वो मेल है और यानी फीमेल है। तो अभी दिखाता हूँ करीब आ रहा है, दिख रहे होंगे आपको इसलिए कान के ना ये इन्फेक्शन हो गया है, पता नहीं क्या है इस पर। तो हमने ऑयल लगाया हुआ थोड़ा ताकि मक्खियाँ ना बैठे, ऐसा हो रहा है बेचारा यार। बाकी बारिश वारिश कुछ भी नहीं है ना, हम दबा रहे हैं तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी
कि बढ़े ना आगे, अभी देखते हैं क्या होता है, अल्लाह करे सेट हो जाए। पर दुआ करो सही हो जाए। और नाम भी इनका सोचा हुआ है, हमने काफ़ी नाम सोचे हुए, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या करना है। इसका फीमेल का शान और उसका तारा, लेकिन जबान पर नहीं चढ़ रहा। और फिर अनस ने कहा है इसका फीमेल का बबली और इसका बबलू। अब देखें क्या नाम रखते हैं, आप लोग भी कमेंट में बताना है क्या नाम रखा जाए इनका। घास लेकर आए, इनको भी घास खिलाते हैं। ये दोस्त कहाँ बैठा है, अंदर की सारी जगह छोड़ के बाहर बैठा है जाकर। ठीक है, सिरप लोशन है। कितने कितने टाइम है? दो टाइम बताया था पहले। दो टाइम ये, दो टाइम ये, एक टाइम है, दो एक बार ही लगाना है, दो दिन बाद तो अभी लगाना है। एक चम्मच है नुमन, दो टाइम है ना, और ये दो दिन बाद लगाना है। तो अभी मैं अंदर आ गया हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरे को जाना है जॉब पर। अभी 1:30 बज रहा है, नाश्ता भी नहीं करा, नाश्ता करने से पहले बाहर चले गए हम लोग। तो अभी नाश्ता करते हैं, फिर चलते हैं जॉब पर। फिर जॉब से आने के बाद ब्लॉग में दोबारा कंटिन्यू करूँगा। अभी इनको अंदर लेकर आए, क्योंकि इनको अभी खिलानी है दवाई, दवाई खिलाते हैं दोनों को, लगता है जल्दी सेट हो जाए, क्योंकि दवाई हमने भर ली है। अभी इनको पिलाएँगे, पहले इसको पिलाएँगे, फिर चलो फौरन गोले चलो आ करो। साइड से बोल, भीड़ है इधर, इस साइड से। आराम आराम से, आराम आराम से, आराम से बोलो। बोलो बोलो लो लो, आराम आराम से गुजर तू यार। ये हां तेरा आराम से कर रहा यार, मैं तो अगर खोल तोड़ दो। हां हां इसको तो पिला दी, अब इसकी बारी है, क्योंकि उसके भी हल्के फुल्के हो रहे हैं, चाह रहे हैं ऐसे एहतियात कर लें ताकि बढ़े ना, तो अब इसकी पिलाते हैं। ठीक है भैया, अब इसकी बारी है। Eight hours later. मैं घर आ गया हूँ, अभी थोड़ी देर वही घर आए हुए, और लाइट भी चली गई हमारी। टाइम हो रहा है 11:30 और लाइट चली गई। नवान बकरे अंदर कब कर रहे थे? बकरे अंदर ही सुबह बाहर नहीं, बाहर थे ना, मैं जा रहा था और रेत आ गई। हाँ रेत कब आई? रेत 4 बजे लगाई। हाँ देखते रहे, देखते हैं। वो दवाई लगाई थी उनको दोबारा? नहीं लगा, तो अभी दवाई पिलानी भी है, दवाई पिलानी और लगानी भी है। लाइट कब आएगी? लाइट 1:30 बजे लाइट आएगी, अभी लगा लेते हैं। आ जाओ, और मैं आप लोग को रेत दिखा दूँगी किस तरह डली है, कब आई। पप्पा भी आ गए, रेत डाल दी देखा रेत। हाँ मैं भी जा रहा हूँ दिखाने जा रहा हूँ। ये रहे बकरे, ये इनके लगे हुए जंतर बकरी, और ये रहा डल गई है यार, काफ़ी अच्छा हो गया रेट डल गया ना। बाकी दिन में दिखाऊंगा आपको अगले ब्लॉग के अंदर। तो अब इनको हम दवाई पिला रहे हैं जो सुबह अरे मिलाई थी, और लोशन भी लाइट आने के बाद लगाएंगे, या थोड़ी देर बाद लगाए दवाई पिलाते हैं पहले। तो कितनी? 6 बस। आओ करीब आओ ना। हाँ करो, चलो दवाई भी हो, चले आ कर ले। साइड से ना, मैं खुद ही भी दवाई स्कूल में लग जाए। अच्छा चलो भाई, हो गई। ओ या हाँ, और अबे उंगली है मेरी, उंगली भी खा रहा है और मांग रहा है। इसको तो पिला दी दवाई, अब इनकी बारी है। मैं इनको पिलाएंगे तो बैठ गए, जूते हम उठ हल्के बैठी हैं। हाँ
रात को जूते चाटती है। चलो उसको पिलाते हैं, फिर लोशन लगा दे, फिर ब्लॉग को करते हैं एंड। चैन तो ये होगी होगी, वो आ रहा है करीब पीने के लिए। चलिए आराम आराम से छोड़ बैठ के पी रही है, आराम से पी रही है, निकाल लो भाई, छोड़ ही नहीं रही नहीं हाँ मुझे की लग गया इसको, ये देखो फिर से ले रही है अबे बस अब निकाल लो, तोड़ दी फिर अबे फिडर की निप्पल खा गई थी ये, दोपहर में तो पी नहीं जा रही इससे, फिर ये शौक से दोपहर में निकाल दी थी मुंह से, हाँ साइड से निकाल दी थी दोपहर में, पिला रहे थे ना साइड से निकाल दी थी। अब ये देखो ये क्या है, क्या है फालतू उनकी मारोड़ जाएगी ना, मुंह आ रही है। चलो अब इनके दवाई लगाते हैं, फिर करते हैं ब्लॉग एंड। दवाई बनाओ, कौन सी कैसे बनेगी भाई दवाई, सिरिंज से ही मार देंगे वो भी मारोगे? नहीं नहीं सिरिंज से नहीं, वाला ब्रश जो है ना उससे, ब्रश से लगा देंगे थोड़ी, ये वैसे थोड़ी है तो लिक्विड है, भर के लगाने वाली थोड़ा देंगे ना उसको, पानी खाड़ दो पानी और क्या, दवाई लगनी है तुम्हारे इसको ना नाले उस पर यार, ये जगह क्लियर कर दो, दवाई इस पानी के अंदर पानी की हो रही है, हां गाड़ा सही तो है, और डालो और डालो और डालो, अभी एक ढक्कन भी हुआ बस, और पानी कितना खा था, तैयार हो गई है उसको वहाँ लेके जाते हैं, चलो मुझे पकड़ लो, नहीं तो फिर कान छिनाएगा अपना, इलाज डेडी है तो बस दवाई भी लगा दी, तो इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं, तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तक के लिए हाफिज़।